बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स फिगर आउट एंगल्स इन अनदर क्वेश्चन। अब अगेन इस क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये है कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ माय पेज। इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके आई कैन सॉल्व माय क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बिफोर आई कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ। वी हैव अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल जिसके बारे में आपको शायद पता भी होगा। दिस इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, और इन दोनों साइड्स की जो बेसिस होती हैं उनमें जो एंगल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑल्सो सेम। सो दिस इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ये आइसोसेलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर दो साइड्स और दो एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। ये आइसोसेलस ट्राइंगल जो है सर्कल्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके अगर मैं सर्कमफेरेंस तक कोई लाइन प्रोड्यूस करता हूँ तो दिस इज नोन एज रेडियस। अब ये रेडियस वाली लाइन किसी भी जगह पे मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, सो दिस इज अ रेडियस, राइट। और अगर मैं इन दोनों लाइन्स को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा, और ये एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसको मैं आइसोसेलस ट्राइंगल बोलूंगा, क्योंकि इसकी दो साइड्स सेम हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं। अगर ये दोनों रेडियस हैं और दोनों साइड सेम हैं तो इनकी बेस वाले जो एंगल्स होंगे ये बाय डिफॉल्ट फिर सेम हो जाएंगे। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट यू शुड नो ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्वेश्चन मुझे ये कहता है कि फाइंड द डायमीटर। सो इन माय क्वेश्चन डू आई हैव अ डायमीटर, अगेन मेरा सर्कल का सेंटर ये है और मेरे पास कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो सर्कल के सेंटर से पास करके सर्कल को दूसरी साइड पे इंटरसेक्ट कर रही हो, राइट। ऐसी कोई भी लाइन नहीं है तो इसका मतलब है आई डू नॉट हैव एनी डायमीटर, तो सर्टेनली मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकता। सेकेंड, आई हैव टू फाइंड अ टेंजेंट। तो एज यू कैन सी कि मेरे सर्कल के बाहर ये दो लाइंस प्रोड्यूस हुई हुई हैं, एक टी बी और एक टी ए। ये दोनों लाइंस आर टेंजेंट टू द सर्कल। मुझे कैसे पता? क्योंकि उसने क्वेश्चन में जनरली मेंशन किया हुआ है कि दे आर टेंजेंट। बट एज लॉ जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हैं आपको खुद ब खुद इस चीज़ का आइडिया होता चला जाता है। तो यू डू तो सर्कल प्रॉपर्टीज में जनरली जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सर्कल के अंदर यूज होती हैं, सर्कल के बाहर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज होती है विच इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि यार ये जो आपकी लाइन ओ बी है दिस इज अ रेडियस, और रेडियस और आपके टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनता है दिस इज ऑलवेज 90 degrees, राइट। जिसका मतलब ये हुआ कि एंगल टी और एंगल जी इन दोनों का सम इज 90 degrees एंड बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मुझे दोनों में से कोई भी एक एंगल मिल जाए, लेट्स से टी मिल जाए, तो मैं जी बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकता हूँ। बट वी विल फिगर दैट आउट इन अ वाइल इंशाल्लाह। अभी हम ज़रा कोई और चीज़ भी देखते हैं कि अभी हम इंस्ट्रक्शंस पे आगे नहीं जा रहे, लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे पास सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल के सेंटर से मैं ए तक एक लाइन प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये मेरे पास जो एक ट्राइंगल बना है बी ओ ए, इज दिस एन आइसोसेलस ट्राइंगल? मोस्ट सर्टेनली इट इज, दिस इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट। और इस आइसोसेलस ट्राइंगल की खास बात ये है कि मेरे पास ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि दीज आर बोथ रेडियस, तो इसकी वजह से दोनों बेस वाले एंगल्स जो हैं इक्वल हो जाते हैं। इफ दिस एंगल इज टी डिग्रीज देन दिस एंगल इज ऑल्सो टी डिग्रीज। और मुझे ये टी डिग्रीज फाइंड करने के लिए आई नीड टू हैव दिस एंगल, राइट। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा इसको अभी कुछ देर तक देखते हैं। इसको मैं कह देता हूं एंगल ए जो मुझे फाइंड करना है। अब आई नो दैट कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनता है इट इज 90। इसी तरह इधर भी रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनता है इट इज 90। सो नाउ आई हैव अ क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना है। क्वाड्रिलेटरल इज एनी शेप विद फोर साइड्स। तो आई हैव अ क्वाड्रिलेटरल जो कि काइट है। इस काइट के अंदर मेरे पास सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 360 degrees आना चाहिए।
हाउ डू आई नो दैट दिस इज 62 डिग्रीज, ये एंगल मुझे फाइंड करना है, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। पॉलीगॉन्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स होती हैं और चार साइड्स वाले शेप्स के अंदर सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो मेरे पास चार एंगल्स हैं यहाँ पे, एंगल ए, दो एंगल 90s हैं और एक एंगल 62 डिग्रीज है। अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर 360 के इक्वल आता है। एंड बाय यूजिंग दैट आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच इज 118 डिग्रीज। तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता लग गई विच इज के यार ये जो आपका एंगल ए है इससे काम चलाते हैं, दिस इज 118 डिग्रीज। क्लियर? अब अगर ये 118 डिग्रीज है तो क्योंकि दिस बी ओ ए ट्राइंगल वॉज एन एसोसेलस ट्राइंगल तो यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, राइट? देर यू गो। तो इस एसोसेलस ट्राइंगल को मैं जरा देर साइड पे प्रोड्यूस करता हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली दिखा सकूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। दिस एंगल इज 118 डिग्रीज, दिस एंगल वॉज टी, ये एंगल जो था ये टी डिग्रीज है, अभी भी यहाँ पे टी लिखा हुआ है पीछे, और ये वाला एंगल क्योंकि मेरे पास ये वाली लाइन रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस और दिस इज एन एसोसेलस ट्राइंगल, तो दिस एंगल इज ऑल्सो टी। तो मैं टी की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ बाई एडिंग ऑल थ्री एंगल्स टूगेदर एंड इक्वेटिंग दैम टू इक्वल टू 118 डिग्रीज, और यहां से मेरे पास टी की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 31 डिग्रीज। तो जी मुझे यहां से एक और चीज कंफर्म हो गई कि दिस एंगल टी इज 31 डिग्रीज। अब बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हमने ये एक छोटी सी एक इक्वेशन लिखी थी और ये इक्वेशन हमारे पास तब आई थी जब हमने कहा था कि ओ बी इज द रेडियस और बी टी इज द टेंजेंट और टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल इज ऑलवेज 90। इसका मतलब है टी और जी दोनों एंगल्स का सम इज 90। तो मेरे पास यहाँ पे टी एंगल आ चुका है विच इज 31, तो मैं जी बड़े आराम से फाइन कर सकता हूँ, दिस इज 59 डिग्रीज। तो जी एंगल आ गया 59 डिग्रीज। अब मुझे अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आना है। ये मैंने प्रॉपर्टी टू यूज़ कर ली, बिल्कुल ठीक है, कमाल हो गया। अब मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री पे आना है। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री कहता है कि लुक फॉर अ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं ज़रा ये चीज़ों को थोड़ा क्लियर आउट कर लेता हूँ। वो कह रहा है लुक फॉर अ क्वाड्रिलेटरल, डू आई हैव अ क्वाड्रिलेटरल, येस आई डू। ये देखिएगा ए डी सी बी ए, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रिलेटरल। बेटा आप में से कई बच्चे कहेंगे कि डी ओ बी सी इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, आपकी रेड वाली जो शेप है आप कहेंगे ये सर क्वाड्रिलेटरल है। जी बेटा ये भी क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। फॉर यू टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रिलेटरल दैट टचेज सर्कमफेरेंस ऑन फोर साइड्स। जो डी ओ बी सी रेड वाला क्वाड्रिलेटरल जो है ये सर्कल को चार पॉइंट्स पे टच नहीं कर रहा, सिर्फ तीन पॉइंट्स पे टच कर रहा है, लेकिन जो मैंने येलो से प्रोड्यूस किया है दैट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट टचेज सर्कल एट फोर डिफरेंट पॉइंट्स। इन सच ए सिनेरियो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और ये हमें कहता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन दिस केस इफ दिस इज 53 देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 53 प्लस y इक्वल्स 180 डिग्रीज एंड y इज इक्वल टू 180 माइनस 53 विच इज 127। दिस इज 127 डिग्रीज। अब ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी नंबर थ्री भी यूज कर ली। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर फोर के ऊपर। इंस्ट्रक्शन नंबर फोर मुझे कहती है कि डू यू हैव एन एंगल एट सेंटर, येस आई डू हैव एन एंगल एट सेंटर। अगर आप ये देखें सर्कल का सेंटर इज ओ और ओ जो एंगल बना रहा है ये इन दो पॉइंट से मिलकर बना रहा है, पॉइंट डी और पॉइंट बी, और इन्हीं दो पॉइंट से मिलकर एक एंगल ए पर भी बन रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सेंटर में एंगल अवेलेबल है तो प्रॉपर्टी नंबर फाइव यूज करें। तो प्रॉपर्टी नंबर फाइव मुझे कहती है एंगल एट सेंटर इज हाफ एट सर्कमफेरेंस।
तो यहाँ पे एंगल तो आ गया 53 डिग्रीज, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 53 डिग्रीज विच इज 106 डिग्रीज। अब यहाँ पे मोर और लेस वी हैव फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एंगल्स, और मुझे देखो एक्स वाई जी टी तकरीबन चारों एंगल्स फाइंड करनी है, एंड वी डू नॉट नीड टू गेट ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 4 या इंस्ट्रक्शन नंबर 5, क्योंकि हम पहली चार इंस्ट्रक्शंस को ही यूज़ करते हुए क्वेश्चन अपना सॉल्व कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स आंसर, एंगल एक्स पूछ रहा है तो एंगल एक्स इज 106 डिग्रीज, एंगल वाई पूछ रहा है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं 127, एंगल जी इट इज 59 डिग्रीज, एंड एंगल टी विच इज 31 डिग्रीज। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी मैंने इस इंफॉर्मेशन को स्टडी नहीं किया, I just saw the question and started solving it.